हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल फैक्ट्स स्टोर पे। आज बात करेंगे ऐसे रैंडम फैक्ट्स पर जिसे सुनकर आपका फेस इस इमोजी की तरह हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर वन, क्या आप जानते हैं जो तारे हम लोग आसमान में देखते हैं वो 2000 लाइट ईयर्स धरती से दूर हैं और उनमें से दो बाइनरी स्टार टकराने वाले हैं। वैज्ञानिकों ने 2017 में अपने सिस्टम से अंदाजा लगाया है कि 2022 में दो बाइनरी स्टार कोलाइड में टकराने वाले हैं। जब वो दो बाइनरी स्टार कोलाइड करेंगे तो उनमें से लुमिनस रेड नोवा निकलेगा और हम उन लुमिनस रेड नोवा को अपने नेकेड आइज मिस नंगे आंख से देख पाएंगे, वो भी महीनों तक। और ये दो तारे कोलाइड करके एक नया बड़ा और पहले से ज़्यादा गर्म तारा बनाएंगे। आप गूगल की इस विकिपीडिया पर भी इसे देख सकते हैं। इसके बारे में लिखा है कि इन 2022 टू बाइनरी स्टार कोलाइड एंड प्रोड्यूसिंग अ लुमिनस रेड नोवा एंड द साइंटिस्ट वाज प्रिडिक्टेड दैट टू स्टार कोलाइड टू फॉर्म अ न्यू हॉटर और मैसिव मेन सिक्वेंस स्टार। फैक्ट नंबर टू, क्या आप जानते हैं वर्ल्ड वार 3 27 अक्टूबर 1962 में ही हो चुका होता क्योंकि रसिया ने अमेरिका पर न्यूक्लियर बॉम्ब गिराने का ऑर्डर दे दिया था। लेकिन रसिया के एक जिम्मेदार ऑफिसर जिनका नाम वैसली आर्किपोव है, जिन्होंने न्यूक्लियर बॉम्ब गिराने से मना कर दिया। और अफसोस की बात यह है कि जिन्होंने दुनिया को बचाया आज दुनिया उन्हें भूल चुकी है। फैक्ट नंबर थ्री, क्या आपको पता है कि जब आप भूतों के सपने देखते हैं तो आप डर कर उठ क्यों जाते हैं? अगर पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स की माने तो एक सच्ची आत्मा हमसे बात करने की कोशिश कर रही होती है जिसको हमारी आत्मा रिजेक्ट कर रही होती है और हमारी सुरक्षा के लिए हमें उठा देती है, और इसलिए बुरे सपने कभी पूरे नहीं होते, तो हमें लगता है कि यह एक बुरा सपना था। फैक्ट नंबर फोर, क्या आपको पता है कि चंगेज खान हमारे एटमॉस्फेयर से 700 मिलियन टन कार्बन घटाने के लिए जिम्मेदार है क्योंकि उन्होंने अपने शासनकाल में इतने इंसानों को मारे हैं कि आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। फैक्ट नंबर फाइव, क्या आप जानते हैं अगर आप 6 साल 9 महीने तक लगातार फाइटिंग करेंगे तो एक एटम बॉम्ब का मुकाबला करने के लिए उतनी एनर्जी काफ़ी होगी? अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लीजिएगा।